जनाजिन अभी तक की आपने टॉप स्टोरीज मुलाहिजा फरमाई, लेकिन सबसे पहले आपको अहम खबर तेज चले नैब के हवाले से। नैब से शरीफ खानदान के रेफरेंसेस का रिकॉर्ड चुराने की कोशिश की गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि नैब से शरीफ खानदान के रेफरेंसेस का रिकॉर्ड चुराने की कोशिश की गई है। सिक्योरिटी गार्ड ने रिकॉर्ड चोरी करने की कोशिश को नाकाम बना दिया और रिकॉर्ड चोरी करने की कोशिश में मुलविस नैब अफसर को धर लिया गया। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने मस्कूरा अफसर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे डाला है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10,000 रूपये का इनाम दिया गया। राणा ताहिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं मजीद तफसीलात। राणा ताहिर आगाह कीजिएगा, मजीद क्या खबर है आपको इस खबर के हवाले से, क्या अपडेट्स हैं? देखिए ये बहुत अहम वाकया हुआ है कि नैब हेडक्वार्टर की इमारत से शरीफ खानदान के मुकदमात का इंतहाई हसास रिकॉर्ड चोरी करने की ये कोशिश की गई और ये कोशिश करने वाला नैब का ही एक अफसर था, इसको सिक्योरिटी गार्ड ने रंगे हाथों पकड़ लिया। ठीक है, ये एक काबले पकड़ कारनामा है जो सिक्योरिटी गार्ड ने अंजाम दिया है। चेयरमैन नैब ने इसको अपनी जेब से 10,000 रूपए इनाम भी दिया है। ठीक है, लेकिन ये बात जो है ना, देखे ये शरीफ खानदान जो है ये इस बात का आदि है। कभी आप देखे एलडीए के रिकॉर्ड को लाहौर में आग लग जाती है जी, कभी रेवेन्यू बोर्ड के रिकॉर्ड को आग लग जाती है, कभी टैक्स मकसद के रिकॉर्ड को आग लग जाती है। तो ये सारी चीजों से इंतहाई संजीदा मामला है शरीफ, ये सिर्फ एक अफसर तक महदूद नहीं होगा मामला। असल बात ये है कि जिन लोगों के लिए ये अफसर रिकॉर्ड चोरी कर रहा था उनका मुहासबा किया जाए, उनको गिरफ्त में लाया जाए। और ये भी पता चलाना चाहिए कि इस अफसर के साथ और कौन कौन से लोग मिले हुए थे।